हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी बिना लहसुन प्याज के तरी वाले आलू की सब्जी। ज्यादातर ये सब्जी बनती है भंडारे में, जो पूरी के साथ बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, साथ ही इसमें डालेंगे साबुत धनिया। साबुत धनिया को हाथ से ही आप थोड़ा सा क्रश कर लें। जरा सी इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च, 3 सूखी लाल मिर्च भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से सारी चीजों को चला लें जब तक इनका फ्लेवर रिलीज नहीं हो जाता। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हींग। हींग में मैंने 1 चम्मच पानी मिला के रखा है। एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी के मसाले, लाल मिर्च पाउडर। मसाले डालने के टाइम आप फ्लेम को लो कर लें। धनिया पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, एक बार और अच्छे से मिलाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम 3 पीसे हुए टमाटर। सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको ढक के कम से कम 5 मिनट तक छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे उबले हुए आलू। आलू को आप हाथ से ही फोड़ लें और इसके अंदर डाल दें। मैंने इसमें 4 आलू डाले हैं। सारी चीजों को फिर से अच्छे तरीके से मिला लेंगे और अब इसमें डाल देंगे हम 1 कप पानी। अगर आपको ये ज्यादा रस्से वाली बनानी है तो आप पानी ज्यादा डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अच्छे से मिलाने के बाद हम कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। आलू के अंदर भी सारे मसालों का फ्लेवर आ जाएगा। सब्जी अब तैयार है। अब आप आलू को थोड़ा सा और क्रश कर लें चमचे की हेल्प से और अब आप इसको फ्लेम से उतार लें। आलू की सब्जी हमारी तैयार है और इसको सर्व करें पराठे या पूरी के साथ। ये बहुत टेस्टी लगती है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।